हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि तेजस के लिए एक नया लोकोमोटिव तैयार हो रहा है, जो कि एक फुली एरोडायनेमिक लोकोमोटिव है और पुश और पुल की टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वीडियो पर पहुँच के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तेजस के लिए जो नया लोकोमोटिव है उसकी और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उसका पूरा लुक दिखाया गया है कि उसका गेट कैसा है, फ्रंट व्यू कैसा है, उसका बैक व्यू कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कैसा इसका लुक है, जो कि फुली एरोडायनेमिक। और जितने भी इंडिया के अंदर लोकोमोटिव चलते हैं, वेब 5, वेब 7 वगैरह, उन सब के कंपैरिजन में इसका जो लुक है काफ़ी शानदार है और देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसकी लाइटनिंग को लेकर, इसकी थोड़ी सी स्पीड को लेकर के। तो ये भारतीय रेलवे का पहला परीक्षण है, तो इसमें थोड़ी सी कमियाँ होंगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार किया जाएगा। और अगर आप इसका बैक व्यू देखें तो ये बैक साइड से बिल्कुल एक फ्लैट इंजन की तरह है और फ्रंट से ये पूरा एरोडायनेमिक है, क्योंकि जिस ट्रेन के साथ इसको जोड़ा जाएगा उसमें दो लोकोमोटिव लगाए जाएंगे और वो पुश और पुल की टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, जिसके लिए इसके पिछले हिस्से को फ्लैट रखना ही सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल पैनल को भी इन्होंने काफी मॉडिफाइड कर दिया है। यहाँ पे जो पुराने लोकोमोटिव में कंट्रोल पैनल होता था, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है और इसका जो सिस्टम है काफी एडवांस वर्जन है और पूरा कंप्यूटराइज्ड है, जिससे लोकोमोटिव को ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, क्योंकि इसकी स्पीड भी हाई होने वाली है तो कंट्रोल भी एडवांस फीचर से होने चाहिए। और आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर का सिस्टम दिखाया गया है कि यहाँ पे जितने भी सर्किट सिस्टम है ये लगा हुआ है, रेक्टिफायर और भी जितने इसके छोटे छोटे वर्क्स होते हैं लोकोमोटिव को चलाने के लिए, तो यहाँ पे सारे सर्किट को मेंटेन करके एकदम प्रॉपर तरीके से फिक्स कर दिया गया है। ये लोकोमोटिव पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस अब इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो टेस्टिंग को लेकर के कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।